हेलो फ्रेंड, हम आपको बताएगा जो वेट मशीन होता है, वेट मशीन का ये सर्किट बोर्ड है। आज का जो फॉल्ट है वो कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा और शॉर्ट सर्किट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो कीबोर्ड है ये है, इसको बोलता है कीबोर्ड, जहाँ पे ये टाइप होता है, ठीक है, MR, M+, मूट और जीरो, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए वी पॉजिटिव, VE एंड माई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, या वोल्टेज बैटरी वो, और यहाँ पे देखिए स्विच कनेक्शन है, इसका जल गया है शॉर्ट सर्किट के बारे में। फ्रेंड, ढेर सारा फ्रेंड ने मेरे को सवाल किया है, जो ये जो कीबोर्ड रहता है ये काम नहीं होता। देखिए पहले कीबोर्ड के अंदर इस तरफ कोई पॉइंट होता है, जहाँ पर इस पॉइंट का वेल्डिंग देख, जो सोल्डरिंग है, इसको सोल्डरिंग ठीक से देख लीजिए सही है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे काट चुका है किसी ने वायर को, इस वायर काट जहाँ जहाँ काटा है इसको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सॉकेट है, इस सॉकेट का कई बार क्या होता है, लूज कनेक्शन होता है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, ये सही होगा आप इसको चेंज कर देगा तो ठीक है, और नया कीबोर्ड इसको कीपर लगा देगा तो काम आसानी से हो जाएगा। इसको लगाने का तरीका देखिए, यहाँ पे जो पॉइंटर है और यहाँ पे देखिए इसमें एक लॉक है, देख सकते हैं अंदर में दोनों लॉक है, तो इसको इस बारे में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ लगा, एक आवाज़ होगा, जब निकालेगा तो इस तरफ ये निकल जाएगा। यहाँ पे बैटरी है, बैटरी कनेक्शन है, और यहाँ पे स्विच का ऑफ ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद है ये लोड सेल का कनेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोड सेल है, ये लोड सेल का कनेक्शन दिया है, और यहाँ पे LED। उसके बाद ये जो देख रहा है ये डिस्प्ले का होता है, ये जो देख रहा है ये डिस्प्ले हो गया। उसके बाद ये बाजार है, और ये जो देख रहा है ये है ट्रांसफार्मर का AC लाइन, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का AC लाइन आ रही है। फ्रेंड फ्रेंड आज की वीडियो ये है, छोटा सा वीडियो वर्ड मशीन का सर्किट बोर्ड के बारे में। तो ये वीडियो आपको कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बारे में और एक वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू।